ये क्या करनी है, इतनी समझदार और धर्मात्मा होकर इतनी बुरी मौत मर रही है। माना कि आपकी जान को इस समय महासंताप है, किंतु आत्मघात करना भी तो महापाप है। भाई तुम्हारा क्या नाम है? मेरी तो तुमसे ना जान है और ना ही पहचान है। महात्मा जी, मैं तो श्री रामचंद्र जी का छोटा सा सेवक हूँ और मेरा नाम हनुमान है। मगर मैंने तो तुम्हें कभी प्रभु के पास आते जाते नहीं देखा। जरा समीप होकर मुझे अपनी शक्ति को दिखाओ। निस्संदेह आपका कहना बिल्कुल यथार्थ है। आपकी उपस्थिति में मेरी एक तक कई रसाई भाती आपकी खोज करते समय हमारे राजा पैदा सुग्रीव को उन्होंने अपना मित्र बनाया और उसी समय से ये सेवक भी दूध और पापा का दूध मैंने तुझको जान लिया और भली प्रकार पहचान लिया। अरे कि जब बेईमान रावण की कब्र है और तेरे की चुनौतियों की मुझे सब खबर है। माता जी आपको भी सच्ची बात बुलानी है, किंतु आपके विश्वास के लिए मेरे पास श्री रामचंद्र जी की खास निशानी है। लीजिए इसकी पहचान कीजिए और धनी प्रकार से निवार कीजिए। मेरे भाग्य के रूपे मेरे भाग्य के साथ तू भी मुझसे ऐसी रूपी तुझको मेरी अवस्था पर कुछ नया ना आई और इतने कल पहचान आकर शक्ल दिखाई। मेरे प्यारे की निशानी मेरे लिए वाश्य छिटकाली। मेरा मन इस समय बहुत विस्तार है, क्या मैं सचमुच तुझको देख रही हूँ? क्या आप ख्वाब है माता जी? आप इन बातों को जाने दीजिए और मेरे को भा दीजिए। बेटा क्षमा करना, मुझसे बड़ी भूल हो गई और मैं तो अपने ही विचारों में ऐसी भूल गई कि तुमसे बात करना ही भूल गई और उसी को देखकर ऐसी भूल गई। अभी विश्वास के कारण जो अब शब्द मेरे मुंह से निकल गए उनके लिए सत्य क्षमा दूं। माता जी आप मुझे विशेष लज्जित ना कीजिए, मैं तो आपका कुछ खिदमतगार हूं और हर समय सहायता के लिए तैयार हूं। कभी समय था कि जिनसे मैं भान से काम लेती थी उनको शस्त्र का इनाम देती थी, किंतु शोक कि इस समय मैं इतनी नग्न और नखान हूं कि अपने हिता चीखा किसी प्रकार से सत्कार करने से भी लाचार हूं। जहां तक कि वो वस्त्र भी पर्याप्त नहीं जिससे अपना शरीर ढाक रही हो और मानव शिव के सब
ताप रहे हो। देवी विपत्ति के दिन पति भेद चले हैं और इन बातों को मन से भुलाओ और ये रूपन करके मुझे भी व्यर्थ ना लाओ क्योंकि जी अब अधिक समय नहीं लगेगा या तो कुछ दिन इंतजार कीजिए अन्यथा इसी समय मेरे साथ चलने की तैयारी कीजिए। बेटा मैं तुम्हारी मेहरबानी की मशहूर हूँ किंतु प्राय पुरुष के साथ जाने से मजबूर हूँ। जाऊंगी तो अपने पति के साथ जाऊंगी अन्यथा इसी जगह अपने प्राण जगाओगे। किंतु ये छापा अपने नाम के साथ ना लगाओगे। बहुत अच्छा माता जी मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। माता जी मुझको भूत के पास सताया है क्योंकि मैंने कई दिन से कुछ नहीं खाया है। यदि आप आज्ञा दे मेरी ओर से थे हम प्रार्थना इंतजार है। आप जो खाना चाहे खा लो मगर एक बात का ख्याल रखना कि जहां पर एक राशि बड़ा ही खूब खान है। माता जी इसकी तो प्रमाण ही केवल आपके आशीर्वाद की दरकार है।